अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने सबक नंबर 9 की पढ़ाई करेंगे। उसके मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे और उसकी फिर एक्सरसाइज करेंगे। सबक का नाम है किसान की दानाई। दानाई अकलमंदी, दाना शख्स, अकलमंद शख्स। अकलमंदी किसी की ज़ाती मेरास नहीं है। अकलमंद जाहिल भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, लेकिन जो जाहिल होगा, अकल होगी लेकिन वो अपनी जहालत की वजह से अपनी उस अकल का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लेकिन ये एक खुदादाद सलाहियत होती है कि अल्लाह ताला ने बास लोगों को बहुत ज़्यादा अकलमंद, ज़हीन, फतीन बनाया होता है। वो बहुत होशियार, चालाक होते हैं कि वो अपनी इस खुदादाद सलाहियत, खूबी को इस्तेमाल में ला कर और अपने हालात भी बदल लेते हैं, अपनी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करवा लेते हैं, मुकाम व मर्तबा भी पा लेते हैं। ये भी कहानी एक किसान के मुतलिक है कि जिसकी दानाई और अकलमंदी की वजह से उसने रुतबा भी पाया, उसने बादशाह की नज़र में इज़्ज़त भी पाई और उसने दौलत भी पाई। यानी कि उसे अपनी अकलमंदी की वजह से तीनों चीज़ें मिली, इज़्ज़त भी मिली, शोहरत भी मिली, मर्तबा भी मिला और दौलत भी मिली। तो हम अपने सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक रहम दिल, वक्तों वक्त की जमा है, रहम दिल रहम करने वाला बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया मुल्क में रहने वाले लोग, आवाम, लोगों का बहुत ख्याल रखता था। उसके रियाया आवाम लोग उससे बहुत खुश थे। बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता, वो आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात दरियाफ्त करता, पूछता। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया। उसे एक किसान नज़र आया, वो अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूबरू आमने सामने देखकर बेहद बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने अदब से, एहतराम से जवाब दिया, बादशाह सलामत यूँ समझ लीजिए, रोज़ का 1 रुपया कमा लेता हूँ। उस दौर में, पुराने ज़माने में बच्चों, 1 रुपया भी सोने और चांदी के शर्फे होती थी। वो बहुत ज़्यादा इंसान की ज़रूरतें पूरी करने के बावजूद भी बच जाता था। यानी कि उस दौर के लिहाज से रुपये की कीमत वो थी, अब आज के दौर के लिहाज से रुपये की कीमत कुछ और है। बादशाह ने पूछा, तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? किसान ने अर्ज़ किया, जवाब दिया, आलीजा, ज़्यादा इज़्ज़त वाले, इस रुपये से 4 आने तो खा लेता हूँ। यानी कि उस रुपये का एक जो हिस्सा है वो मैं अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ, खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, 4 आने जो मुझे पे उधार है वो मैं अदा करता हूँ, 4 आने कर्ज देता हूँ, 4 आने कर्ज देता हूँ। यानी कि 4 एक हिस्सा, जो तीसरा हिस्सा है वो मैं किसी को उधार देता हूँ और बाकी बच्चे 4 आने और जो चौथा हिस्सा बचा उन्हें कुएँ में फेंक देता हूँ। बादशाह ने कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई, मुझे इसका मतलब समझाओ, मुझे इसका मायने बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हजूर, 4 आने खाने का मतलब ये है कि मैं इन्हें खुद पर और अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ। यानी कि एक हिस्सा जो रुपये का है वो मैं अपने और अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ, 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि उन्हें अपने वालदैन पर खर्च करता हूँ, और एक हिस्सा उधार उतारने का मतलब ये है कि मेरे वालदैन ने जो मुझ पर खर्च किया है, वो मुझ पर उधार था तो वो मैं उन पर खर्च करके वो उधार उतारने की कोशिश करता हूँ। हालांकि माँ बाप जो हम पर खर्च करते हैं, हम तमाम ज़िंदगी भी चाहें तो वो उनका किया हुआ अदा नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने निगहदाश्त करने, तरबियत करने, परवरिश करने पर जो मुसीबत परेशानी उठाई थी और जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है, उधार है। उसे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे बस में नहीं, मगर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उतार दूँ। 4 आने कर्ज देने का मतलब है, मायने है
कि उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, यानी कि अब मैं इस ओहदे पे आ गया हूँ कि मैं वालिद बन गया हूँ, मैं बाप बन गया हूँ, तो अब मैं चाराने कर्ज दे रहा हूँ अपने बच्चों को कि मैं अपने बच्चों की तरबियत पर परवरिश के ऊपर खर्च करता हूँ, कि जब मैं बूढ़ा और ज़यीफ़ हो जाऊँगा तो मेरे वालिद औलाद मेरी देखभाल निगहदाश्त और खिदमत करे। रहे वो चार आने जो कुएं में डालता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैं इन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूँ। यानी कि कुएं में डालने से मुराद ये है कि ऐसी जगह इंसान अपनी चीज़ को रख दे कि जहाँ से वो निकाल ना सके, तो यहाँ पे मुराद ये है कि अल्लाह ताला के राह में खर्च कर दिया तो वो वहाँ से वो निकाल नहीं सकता, जो दे दिया अल्लाह ताला के राह में वो दे दिया। उनसे किसी गरीब और हकदार की ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ। बादशाह ने किसान की ये बातें सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, 100 बार, 100 मरतबा, 100 दफ़ा, इस बात का जिक्र किसी से ना करना। किसान ने वादा कर लिया। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने महल में चला गया। अगले रोज़ बादशाह का दरबार लगा। तमाम वजीर, मुशीर मशवरा देने वाले और दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने किसान की बात दरबार में मौजूद तमाम अफराद की जमा को बताकर उसका मतलब पूछा। सब दांतों में उंगली दाबे, यानी कि ये महावरतन इस्तेमाल होते हैं, उंगली दाबे खामोश खड़े थे। दांतों में उंगली दाबे, बिल्कुल खामोश, कोई बात का जवाब नहीं दे रहे थे। बादशाह के वजीर निहायत दाना, अकलमंद, जीरिक का मतलब है होशियार, चालाक, अकलमंद और होशियार तेज था। उसने बादशाह से जवाब देने के लिए एक रोज़ दिन की मोहलत ली, वक्त मांगा। वजीर ने उसी वक्त घोड़े पर जीन कसी यानी कि अपने घोड़े को उसके सफ़र के लिए तैयार किया और किसान के पास पहुंचकर दम लिया, सांस लिया। उसने किसान से इस बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, मैं बादशाह को ज़बान दी है कि मैं इसका मतलब उस वक्त तक किसी को नहीं बताऊँगा जब तक बादशाह का मुँह 100 बार ना देखूँ। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया। उसने किसान से कहा, कोई रास्ता सोचो, मैंने बादशाह से वादा किया है कि कल इस सवाल का जवाब दूंगा। किसान सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई, यानी कि उसे एक मंसूबा वो जहन में आया, एक तदबीर जहन में आई। उसने वजीर से 100 अशर्फियाँ मांगी, अशर्फियाँ सोने के सिक्के। वजीर ने झट से फौरन से 100 अशर्फियाँ किसान के हवाले कर दी, सुपुर्द कर दी। अशर्फियाँ पा कर किसान ने वजीर को तमाम बात बता दी। वजीर खुश लौट गया। अगले रोज़ दरबार लगा। बादशाह ने वजीर से सवाल का जवाब पूछा। वजीर ने किसान की बताई गई बात हर पहर पूरी एक एक लफ्ज़ बता दी। बादशाह जान गया कि किसान ने वजीर को सारी बात बता दी है। बादशाह आग बगोला हो गया, गुस्से में आ गया। वो किसान की वादा खिलाफी पर, आग बगोला होना, गुस्से में आना मुहावरा है, किसान की वादा खिलाफी पर वादे से मुकर जाने पर, वादा तोड़ने पर सख्त तैश में था, गुस्से में था। उसने किसान की तरफ फौरन प्यादे पैदल सिपाही भिजवाए। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि प्यादे पैदल सिपाही किसान को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह ने गरजदार, ज़ोरदार, ऊंची आवाज़ और ग़ज़बनाक, गुस्से से भरी हुई आवाज़ में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह ना देख लोगे, किसी को ये बात नहीं बताओगे। तुमने वज़ीर को तमाम बात बताकर वादा शिकनी की है, वादा तोड़ा है, क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? अकलमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज़ की, हजूर, मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। मुझे वह हदीस पाक याद है जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता हूँ? बादशाह ने जवाब दिया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वज़ीर को सारी बात नहीं बताई? किसान ने जवाब दिया, आलीजा, मैंने वज़ीर को तमाम बात बता दी है। आलीजा ज़्यादा इज्जत वाले, मैंने वज़ीर को तमाम बात बताई है, लेकिन क्या तुमने हमारा मुँह 100 बार देखा जो सारी बात वज़ीर को बता दी? बादशाह ने किसान से सवाल किया। जी हाँ बादशाह सलामत, इस खाकसार ने ज़मीन पर रहने वाले ने, मिट्टी से बने हुए आजिज इंसान ने, अपने आली कदर ऊंचे मर्तबे वाले बादशाह का मुँह 100 बार देखने के बाद ही सारी बात बताने की
हिम्मत की थी। किसान ने अदब से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो परसों के बाद तुम आज पहली मर्तबा मिल रही हो, फिर तुमने हमारा मुँह सौ बार कैसे देख लिया? बादशाह ने हैरत से सवाल किया। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वजीर से 100 अशर्फियाँ मांगी थी, हर अशर्फी पर आपकी तस्वीर, कंधा है, कंधा है यानी कि आपकी तस्वीर उस पर बनी हुई है, कंधा का मतलब है यानी कि कोई चीज़ आप दूसरी चीज़ में जड़ दें, उखेड़ के बना दें, उसे कंधा कहते हैं, यहाँ पर बनी हुई मुराद होगा। मैंने हर अशर्फी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा। उसके बाद मैंने वजीर को सारी बात बता दी। किसान का यह जवाब सुनकर दरबार में मौजूद लोग किसान की दानाई अकलमंदी पर अशश कर उठे। अशश महावरा, शाबाश देने लगे, तारीफ करने लगे। बादशाह भी किसान की अकलमंदी से बहुत मुतासिर हुआ, असर कबूल किया। उसने किसान को वजीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सब ने बादशाह के इस फैसले को सराहा, अच्छा ख्याल किया। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वजीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे। ये एक लोक कहानी थी जो हिंदुस्तान में थी, और लोक कहानी ये कहते हैं कि जो कहीं से चले, सुनी सुनाई हो, जो किसी के साथ पेश आई हो, उसने आगे सुनी हो, आगे बताई हो, तो ये लोक कहानी कहलाती है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में बच्चों, सबसे पहले तो आपने इसके अल्फाज मायने अपनी कॉपी के ऊपर लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 2 MCQs हैं, जो आपने सही सवाल है वो आपने इस किताब के ऊपर, दुरुस्त जवाब के ऊपर टिक करना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में आपने कॉलम में सही आंसर लिखने हैं, मुतरादिफ आपको दिए हुए हैं, जो आपने सही आंसर कॉलम जीम में लिखना है। ये तो था आपका जमात का काम। अब हम आते हैं अपने घर के काम के लिए। सवाल नंबर 1, सवालों के जवाब देने हैं आपने। सबसे पहला सवाल है कि लोक कहानी से क्या मुराद है। लोक कहानी से मुराद, अभी मैंने आपको बताया कि लोक कहानी से मुराद है कि ऐसी कहानियाँ जो मिसाल के लिए लोगों में रवाज पा जाएं, उन्हें लोक कहानी कहानियाँ कहा जाता है, और ऐसी कहानियों में कोई ना कोई अखलाकी सबक ज़रूर होता है। फिर दूसरा सवाल है, बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया, क्या सवाल किया था जब शुरू में मुलाकात हुई थी, वो आंसर होगा जो सवाल किया था। फिर तीसरा सवाल है, चार आने कुएं में डालने का क्या मतलब है, यानी कि वही अल्लाह ताला की राम ने खर्च कर देना, वो पूरा आपने उसी तरह जवाब लिखना है, अपने आप लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। वालदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है, बादशाह को किसान पर गुस्से आने का क्या सबब था, इस लोक कहानी से हमें क्या अखलाकी पैगाम मिलता है, क्या अखलाकी पैगाम मिलता है इस लोक कहानी से, कि अकलमंदी से हर मसला हल किया जा सकता है। और दूसरा ये सबक मिलता है कि वादे की पाबंदी करनी चाहिए, और तीसरा वालदैन की खिदमत करनी चाहिए, अल्लाह ताला के राह में खर्च करना चाहिए। जो भी आपको अखलाकी सबक मिले वो आप इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है कि गौर कीजिए, बताइए क्या किसान वाकई इस काबिल था कि उसे वजीर का ओहदा दिया जा सकता। अब आपने ये अपने अल्फाज में लिखना है कि किसान क्या इस काबिल था, उसने किस तरह अपनी अकलमंदी का सबूत दिया कि बादशाह ने उसको वजीर बनाने का सोच लिया। फिर अलिफ हिस्सा था, बे में अगर आपका सवाल है, अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते, ये भी आपने अपने अल्फाज में लिखना है। फिर सवाल नंबर 4 है कि आपने दर्ज ज़ैल महावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ज़ेरिक, जिसका मैंने आपको बताया था कि अकलमंद, होशियार, चालाक, दाना, जीन कसना यानी कि घोड़े के ऊपर काठी डालना, घोड़े को सवार होने के लिए तैयार करना, सवारी के लिए दम लेना, सांस लेना, ज़ुबान देना, वादा करना, और आग बगोला होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, तैश में आ जाना, इसका मतलब भी है कि गुस्से में आ जाना, अशश करना, तारीफ करना, सराहना का मतलब होगा कि अच्छा ख्याल करना। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं। वज़ीर वाहिद है, सवाल वाहिद है, जवाब वाहिद है, हदीस वाहिद है, और अफराद सिर्फ एक ऐसा है कि जो जमा है। उसके बाद
सवाल नंबर 7 आ जाते हैं। सवाल नंबर 7 में वज़ीर खुश खुश लौट गया, सवाल नंबर 7 है। अब इस जुमले में खुश का लफ्ज़ 2 बार आया है। अब आपने मज़ीद ऐसे 3 लफ्ज़ सोचने हैं और फिर उन्हें आपने लिखना है अपने कॉपी पे और उन्हें फिर आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे आप लिख सकते हैं पीछे पीछे, आगे आगे, साथ साथ, ये आपके ऐसे अल्फाज हैं कि जो 2 बार इस्तेमाल हो सकते हैं। काले काले, धीमे धीमे, ऊंचे ऊंचे, ऐसे कई लफ्ज़ हैं कि जो 2 बार आते हैं और फिर आप उन्हें अपने जुमलों में भी आपने उन्हें इस्तेमाल करने। ये था आपका पूरा सबक जिसे आपने पढ़ा, मुश्किल अल्फाज लिखे और फिर उसके बाद आपने इन मुश्किल अल्फाज के मायने भी करने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है, बुक का काम बुक पे करना है और कॉपी का काम कॉपी के ऊपर करना है और इस तमाम काम को आपने हमेशा की तरह बहुत प्यारा प्यारा करना है जैसे आप हमेशा करते हैं, नीट एंड क्लीन, अच्छा अच्छा, और फिर मुझे चेक करने के लिए आपने भेजना है। शुक्रिया।